और सब गाइस, तो अब इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन इन रोटेशनल मोशन. मतलब यहां पे रोटेशनल मोशन में हम लोग क्या यूज करेंगे. तो अब मैं लिखता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, WET, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन. अब मुझे यहां पे बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशनल मोशन में हम लोग कैसे यूज करेंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, क्या पढ़ा था हम लोग ने, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब ये था प्योर ट्रांसलेशन मोशन के लिए. बस अभी रोटेशन में क्या करना है, रोटेशन में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करना है चेंज इन रोटेशन एनर्जी में. सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल एनर्जी. अब रोटेशनल एनर्जी हम लोग ने डिस्कस किया मेरे पिछले सेशन में, रोटेशनल एनर्जी प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है, हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर. एंड रोटेशनल एनर्जी नॉर्मल रोटेशनल मोशन में क्या होता है, दोनों कंपोनेंट, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन. अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं यहां पे दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा इसको कैसे यूज करना है. अब बेसिकली एक रॉड है. अब लेट्स से इस रॉड को मैंने यहां से कुछ एंगुलर वेलोसिटी से थ्रो किया, तो इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा है. तो मुझे पता है क्या होगा, ये बेसिकली कुछ नीचे ऐसे जाएगा. मुझे पूछा हुआ है कि जब ये रॉड नीचे आता है इस पॉइंट पे, मतलब कुछ ऐसे वर्टिकल आता है, तो यहां पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी फाइनल मुझे पूछा हुआ है यहां पे, और मुझे पूछा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो एकदम इजी है. जो चीजें हम लोग पहले लगाते थे, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाते थे, सिर्फ इस इक्वेशन को मैं यहां पे अभी यूज करूँ. अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, एकदम सिंपल चीज है. मैं सिर्फ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल एनर्जी इस इक्वेशन को यूज करूंगा. अब मुझे बताओ कौन से फोर्सेस है यहां पे. एक है ग्रेविटी जो प्रॉपरली यहां पे मिडल पे लगेगा कुछ ऐसे, और वो होगा डाउनवर्ड mg. उसके बाद यहां पे होगा नॉर्मल फोर्स कुछ n1 ऐसे, n2 ऐसे, यहां पे मतलब हिंज के यहां पे. मुझे बताओ और कोई फोर्स होगा यहां पे, नहीं. अब मुझे बताओ तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय हिंज फोर्स दैट इज n1 एंड n2. तो मैं वर्क डन बाय हिंज फोर्स लिखता हूं h इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल एनर्जी. अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, अब ध्यान में रखना है यहां पे, अब यहां पे बॉडी का शेप एंड साइज मैटर करता है, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास बॉडी का कहां से कहां पे आया. तो मुझे बताओ ये सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, L/2 से. तो यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mg × L/2. अब कोई एंगल पे होता तो एंगल पे भी हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर लेते. अब यहां पे मैंने एकदम इजी एग्जांपल लिया हुआ है, तो जहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg × L/2 प्लस वर्क डन बाय हिंज फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि ऐसे ही रुका हुआ है यहां पे, इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल एनर्जी. अब यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मेरी फाइनल एनर्जी होगी हाफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा स्क्वायर इनिशियल. अब यहां पे स्पेशल केस लेता हूं, लेट्स से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, तो ये चीज क्या हो जाएगी, 0. तो मेरा यहां पे आंसर क्या आएगा, तो यहां पे मेरा आंसर आएगा mg L/2 हाफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, mL²/3 ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर की यहां पे वैल्यू आई, 2 और 2 कैंसल, L और L कट, m भी चला गया, 3g/L, तो ओमेगा आया बेसिकली √3g/L, दैट इज माय ओमेगा फाइनल, दैट इज माई एंगुलर वेलोसिटी फाइनल. अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी फाइनल मिल गया, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा ओमेगा फाइनल × L/2, राइट. अब ये भी मुझे आ जाएगा, देखो कितना इजीली क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया. क्या यूज किया यहाँ पे मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम में इतना ही ध्यान में रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज रिप्लेस बाय रोटेशनल एनर्जी, बस इतना ही यहाँ पे चेंज होता है, बाकी सब ऐसा का ऐसा ही रहेगा. अब इसके ऊपर और कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में.